morning all of you. Better today we are going to start with the last chapter of this book, that is international business. So the learning objectives of this chapter would be, so we will be able to know about the meaning of international business. We will also be able to create a difference between internal and international business, scope of international business. Then what are the benefits of international business? Why, different nations, they engage in international business, why they indulge in export and import. But now the syllabus has been cut short. Otherwise, in this chapter, we would also study about documents required for the import and export transactions, also the procedure for import as well as export. Otherwise, it's a really interesting chapter. But then CBSE ne cut short kar diya syllabus. Otherwise, bete is chapter ke baad, aapko ye pata chalta hai ki kal ko agar aapne import ya export ka business karna hai, you must have heard that so and so person is an exporter, so and so person is an importer. ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनल ट्रेड में फर्क होता है. इंटरनल ट्रेड जो हम अपनी कंट्री के विद इन ही करते हैं, ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट को अपने गुड्स बेचती है, उसमें कोई टेक्निकलिटीज, कोई एज सच प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है. लेकिन जब इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन होती है, तो क्योंकि दो या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं और हर कंट्री का लॉ अलग है, हर कंट्री की फॉर्मेलिटीज अलग अलग है, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट लाइसेंस टिल ऑल द गुड्स आर डिस्पैच्ड एंड दे आर सेंट टू द पोर्ट एंड शिप्ड. उसमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. वो सब हम करते इसमें, लेकिन क्योंकि सीबीएसई ने सिलेबस कम कर दिया है तो हम अभी इस बार इसमें नहीं कर पाएंगे. जिन बच्चों का इंटरेस्ट है वो बुक में से पढ़ के समझ सकते हैं, और अगर उनको कोई भी डाउट है दे कैन ऑलवेज आस्क मी. ठीक है, सो देयर इज ऑलवेज एनसीईआरटी में एक आपको बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो कि आपको एक इंट्रोडक्टरी फॉर्म में होती है. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू रीड इट. Let's go through it. Mr. Manchanda is a small manufacturer of automobile components. His factory is located in Gurgaon and employs about 55 workers with an investment of rupees 9.2 million in plant and machinery. So Mr. Sudhir Manchanda ek manufacturer hai jo ki automobile yani ki cars ho gaye, trucks ho gaye, unke components ko manufacture karte hain. फैक्ट्री गुड़गांव में है. गुड़गांव बेटे एक बहुत ही अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है. यहाँ पर काफी एमएनसीज की यूनिट्स, प्लांट्स लगे हुए हैं. तो सुधीर मनचंदा का भी एक प्लांट है वहां पे. 55 वर्कर्स काम करते हैं और 9.2 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी में. ठीक है, ऑनली प्लांट एंड मशीनरी, जिससे कि आपको ये पता चल सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, स्मॉल स्केल में या मीडियम में, ठीक है, या लार्ज में. सो ड्यू टू रिसेशन इन द डोमेस्टिक मार्केट ही फोरसीज प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हिज सेल गोइंग अप इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट. ही इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ going international. उसने देखा कि domestic market में recession चल रहा है, तो आने वाले कुछ सालों में उसकी sales नहीं बढ़ेंगी. So he is exploring the possibility of going international. वो possibility ढूंढ रहा है कि क्या उसके कुछ ऐसे prospects रहेंगे कि वो international यानी foreign countries में अपने goods को बेच सके. Some of his competitors are already into export business. A casual talk with one of his close friends in the tire industry reveals that there is a substantial market for automobile components and accessories in Southeast Asia and Middle East.
उसने अपने एक फ्रेंड से बात की जो कि टायर बिजनेस में है। उससे उसको ये पता चला कि जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है उनकी साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट में काफी डिमांड है। ठीक है, क्यों डिमांड है? क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट है ये असेंबलिंग जगह है, यहाँ पर असेंबल की जाती हैं ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, सो बट हिज फ्रेंड ऑल्सो टेल्स हिम डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली इज नॉट द सेम एज कैरिंग आउट बिजनेस विद इन दी होम कंट्री। तो समटाइम्स वी गेट एक्साइटेड, अच्छा ठीक है साउथ ईस्ट एशिया में हमारे गुड्स की डिमांड है, क्यों ना वहां पर बेचना शुरू करें, हमारी तो रातों रात चांदी हो जाएगी, वी विल बी अर्निंग अ लॉट। बट नो, हिज फ्रेंड ऑल्सो गिव हिम अ हेड्स अप कि भाई जिस तरह से तुम इंडिया में बिजनेस कर रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट में बिजनेस कर रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस करना बिल्कुल भी सेम नहीं है, इट इज क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। व्हाई इट इज मोर कॉम्प्लेक्स? बिकॉज वन हैज टू ऑपरेट अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। आपकी जो मार्केट कंडीशंस है वो आपकी डोमेस्टिक कंट्री की जो मार्केट कंडीशंस है उनसे इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अब मिस्टर मनचंदा नो डाउट ही वांट्स टू गो इंटरनेशनल, बट देयर आर चैलेंजेस। ठीक है, क्योंकि आपकी मार्केट सिचुएशंस और दूसरी कंट्री की मार्केट सिचुएशंस डिफरेंट है, आपके बायर्स की नेशनैलिटी और दूसरे कंट्रीज जहां पर आप बेचना चाहते हैं उनकी नेशनैलिटी, उनके लॉज वो भी डिफरेंट है। तो ही इज नॉट श्योर एज टू हाउ टू यू नो सेट अप इंटरनेशनल बिजनेस। क्या उसको खुद जाके ओवरसीज कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहिए, या उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहिए, या उसको एक्सपोर्ट हाउसेस के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको? ठीक है, तो मिस्टर मनचंदा का बेटा जो है ही हैज जस्ट रिटर्न्ड आफ्टर डूइंग एमबीए इन यूएसए। ही सजेस्ट मिस्टर मनचंदा दैट दे शुड सेट अप अ फुली ओन्ड फैक्ट्री इन बैंकॉक फॉर सप्लाइंग टू द कस्टमर्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। ठीक है, उसने अपने फादर को सजेस्ट किया कि उनको एक फैक्ट्री बैंकॉक में खोल लीजिए, फुली ओन्ड फैक्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय फुली ओन्ड फैक्ट्री? एनीवन, यू मे हैव पार्टनरशिप विद अ फर्म इन बैंकॉक और यू मे सेट अप योर ओन यूनिट, होली ओन्ड सब्सिडियरी। यस हिमांशु, तो सिर्फ हमारे कंट्रोल में चलेगी, हमारे कंट्रोल में, गवर्नमेंट या कोई बीच में इंटरफेरेंस नहीं होगी। गवर्नमेंट की बात नहीं है इसमें, नहीं, गवर्नमेंट के तो जो लॉ तो ओके मानने ही पड़ेंगे बेटे, हमारी अपनी 100% इक्विटी हमारी अपनी होगी। ठीक है, कोई बैंक को अगर हम पार्टनरशिप करते किसी बैंकॉक की फर्म के साथ, ठीक है, तो उस केस में उसका भी शेयर होता, हमारा भी होता और हम दोनों को मिलके डिसीजन लेने पड़ते। ठीक है, तो सोल ओनर नहीं कह सकते ईशा, क्योंकि ये जब हम यूनिट खोलते हैं जनरली ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में खुलते हैं, तो होली ओन्ड का मतलब ये है कि 100% इक्विटी जो है वो आपकी है उसमें। ठीक है, ओके okay. सो नहीं, उसमें गवर्नमेंट करेगी इंटरफेयर। बेटे गवर्नमेंट की, अरे बात नहीं समझ रहे आप, वो तो प्राइवेट सेक्टर में आ गई ना, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस का क्वेश्चन ही नहीं आता यहाँ पे। पब्लिक सेक्टर में तो ओके है, प्राइवेट सेक्टर में खोल रहे हैं ना हम, गवर्नमेंट एज सच थोड़ी ना इंटरफेयर करेगी कि भाई ये बनाओ वो बनाओ, नो। लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ओबे करने पड़ेंगे, चाहे होली ओन्ड है चाहे पार्टनरशिप में। ठीक है, वो पार्टनरशिप में भी होगी तो भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट की बात ही नहीं आती। ठीक है, ओके, सो उसने ये बोला कि हम बैंकॉक में होली ओन्ड सब्सिडियरी फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, जो कि साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट को कंपोनेंट्स सप्लाई करेगी। अब क्यों उसने सजेस्ट किया कि बैंकॉक में सेटअप करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? उससे क्या होगा, दे विल बी एबल टू सेव कॉस्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया में अगर वो बनाएंगे, इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में गुड्स बेचे जाएंगे, तो
तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है। तो उनकी ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ जाएगी, जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो सप्लायर उनसे लेगा ही नहीं, वो तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे लेने को बैठा हुआ है ना। तो अगर कोई बैंकॉक की फर्म उसको 10 रुपए पे बेच रही है, आप इंडिया में 5 रुपए का बना रहे हो लेकिन 10 रुपए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है, तो आप अपने सप्लायर को 15 रुपए का बेच रहे हो, ठीक है। और जो बैंकॉक वाली फर्म है वो 5 रुपए का बना रही है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपए आ रही है, क्योंकि वो नियर है साउथ ईस्ट एशिया के, जो बैंकॉक है दैट इज अ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ओनली, ठीक है। तो उसको 5 रुपए करेंगे लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, तो ओवरऑल 10 रुपए की चीज पड़ गई। इंडिया से 15 की पड़ रही है भेजेंगे तो, लेकिन बैंकॉक से भेजेंगे तो 10 रुपए की पड़ेगी, तो नेचुरली वो बैंकॉक वाली फर्म का लेगा, आपसे थोड़ी ना लेगा 15 रुपए का, ठीक। तो इसीलिए उसने सजेस्ट किया उसके बेटे ने कि आप बैंकॉक में जाके प्रोडक्शन यूनिट अपना सेटअप करो, इससे जो है एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, दूसरा आप अपने ओवरसीज कस्टमर्स के ज्यादा नजदीक आ जाओगे, तो कोई भी आपको उन्होंने आपसे कोई भी डिस्कशन करनी है या इंस्पेक्शन करनी है आपकी फैक्ट्री में या कोई भी चीज है वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मिस्टर चंदा इज इन फिक्स एज टू व्हाट टू डू सो, अब वो परेशान है कि हम कैसे करें इसको, ठीक है। तो ओवरसीज वेंचर्स में हम जब भी एंटर करते हैं देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट देन देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एज वेल। सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस, ही वांट्स टू नो ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पता चलेंगी। तो लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन आपको दी हुई है। कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड आर अंडरगोइंग अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द वे दे प्रोड्यूस एंड मार्केट वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी कंट्रीज हैं बेटे, इनमें एक शिफ्ट आ रहा है, फंडामेंटल, फंडामेंटल शिफ्ट मीन्स बेसिक शिफ्ट आ रहा है, किस तरह से वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं और किस तरह से अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वो मार्केटिंग करती हैं, ठीक है। अगर हम 10, 20 साल पहले पीछे चले जाएं तो देयर वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड अ डिफरेंट वे ऑफ मार्केटिंग गुड्स। 20-30 साल पहले हम चले जाएं तो गुड्स, अगर इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर होते थे तो इंडिया का ही रॉ मटेरियल यूज होता था, इंडिया के सब कंपोनेंट्स यूज होते थे, और अगर हम उनको फॉरेन कंट्रीज में बेचते भी थे तो यू नो बस उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था, और उसी ब्रांड नेम जो यहाँ पर इंडिया में ब्रांड था उसी नाम से उसको हम वहां पर मार्केटिंग कर देते थे। लेकिन आज जिस तरह से गुड्स प्रोडक्शन होती है और जिस तरह से गुड्स की मार्केटिंग होती है उसमें फंडामेंटल शिफ्ट आया हुआ है, ठीक है। जो कंट्रीज कुछ साल पहले सेल्फ रिलायंस का गोल अचीव करने में यू नो देवर परस्यूइंग द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस, आज वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड हो रही हैं फॉर प्रोक्योरिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। यानी पहले जो हम कहते थे ना बी इंडियन बाय इंडियन, वर इंक्रीजिंगली परस्यूइंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस। टुडे वी आर नॉट हेजिटेट बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। आज हमने वो गोल अपने आगे नहीं रखा कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी कंट्री के प्रोड्यूस किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज ही खरीदने हैं, हमें अपनी फॉरेन एक्सचेंज वेस्ट नहीं करनी है दूसरी कंट्रीज के गुड्स को खरीद के। आज ऐसा फंडा नहीं है। आज क्या है, आज हम दूसरी कंट्रीज से यू नो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं कर रहे हैं, रादर वी आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। सो कोई भी कंट्री आज आइसोलेटेड नहीं है, कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती कि हमें नहीं दूसरी कंट्री से कुछ लेना, हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। नो कंट्री is isolated today, ठीक है। So ये जो इतना change आया है, fundamental shift आया है
in the way the good countries produce goods and market goods. Iske piche karan kya hai? Number one, development of communication. Information technology, dekho kitni zyada improve ho gayi hai. Aaj aap ghar baithe hain, main idhar baithi hui hoon aapse kitne kilometer door, still we are able to interact. ठीक है, हम आपस में बात कर रहे हैं. आप जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ते थे उसी तरह से आप अपने घर में बैठे पढ़ रहे हैं. ठीक है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन. सो ड्यू टू दिस रीजन जिस तरह से हम लोग टीचर एंड स्टूडेंट आपस में बात कर रहे हैं, इसी तरह से डिफरेंट बिजनेसमैन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो भी बात कर सकते हैं. जैसे मिस्टर मनचंदा के बेटे ने कहा, आप बैंकॉक जाके अपना यूनिट खोलिए, इससे आप अपने सप्लायर के नजदीक आ जाएंगे. ठीक है, अब देखा जाए तो ये कोई लॉजिक नहीं है. आप अपने सप्लायर के नजदीक वहां इंडिया में रहकर भी नजदीक हैं. कैसे? आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, उनसे बात करिए, अपना प्रोडक्ट शो करिए, जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है. आप यहाँ कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको नेगोशिएशन करनी है तो आप इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर सकते हैं. सो ये एक कारण है कम्युनिकेशन सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट आई है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है, ये भी एक कारण है फंडामेंटल शिफ्ट का. ठीक है, देन सेकेंडली इम्प्रूवमेंट इन और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आई है, रोड्स, हाईवेज, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारा चेंज इन डेवलपमेंट जो आई है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में. You know what is infrastructure? Anyone? चाहे कि example दे दीजिए मेरे को. Infrastructure क्या होता है? I understand कि आपको proper meaning infrastructure का नहीं पता होगा, लेकिन as such you are familiar with this term of infrastructure, isn't it? So anyone? What is infrastructure? Okay, I got the answer from Harshika. Buildings and communication services. Shape or design? No, Himanshu. Infrastructure, shape or design. बेटे infrastructure का मतलब होता है basic facilities. Basic facilities जो production activities में help करती हैं. जैसे हमारा जो industrial sector है, क्या वो transportation facilities, communication facilities या पावर या बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर के बिना डेवलप कर सकता है? आज इंडिया में इतनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इसका रीजन क्या है? हमने ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया, हमने कम्युनिकेशन सेक्टर को डेवलप किया. ठीक है, पावर 24 आवर्स पावर सप्लाई रहती है आपकी कंट्री में. बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है. सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, ये जो सारी फैसिलिटीज हैं, इसके करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो हैं, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं. सो यही रीजन है कि आज हमारी कंट्री में या ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये जो कंट्रीज हैं, All over the world change आया है इनकी in the way they produce and market their goods and services. क्या reason है? Development of communication technology infrastructure. समझ में आ गया बेटे infrastructure का meaning? जो basic facilities हैं जो production units में help करती हैं. ठीक है, okay. So countries which were cut off from one another due to geographical distances and socio-economic differences have now started increasingly interacting with each other. Wo countries jo ek dusre se cut off thi, chahe geographical distances ke karke, chahe socio-economic differences ke karke, aaj wo ek dusre se interact kar rahi hain. Theek hai. Now World Trade Organizations and reforms carried out by the governments of different countries have also been a major contributory
factor to the increased interaction of business relations amongst the nations. तो एक और कारण है जिसके करके हमारे जो business relations हैं countries के आपस में वो improve हुए हैं. एक reason है World Trade Organization, WTO. बेटे ये एक organization है जो कि 1995 में existence में आई थी. इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है. और इस ऑर्गेनाइजेशन की एम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना. इस ऑर्गेनाइजेशन से पहले इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी. यानी अगर हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होता था डिफरेंट कंट्री से तो काफी रिस्ट्रिक्टेड था. उसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस थी, टैरिफ लगाए जाते थे, कोटाज होते थे, ठीक है. तो ये रिस्ट्रिक्शंस रहती थी जिस करके दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में ट्रेड नहीं कर पाती थी ज्यादा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस. इट्स एम इज टू लिबरलाइज फॉरेन ट्रेड. इसने कहा फॉरेन ट्रेड के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं वो हटा दो, ठीक है. तो और हर कंट्रीज ने अपने यू नो रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए. जैसे इंडिया में आपने 10th में पढ़ा है 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया. ये जो रिफॉर्म्स थे दे ऑल्सो एम्ड एट लिबरलाइजिंग फॉरेन ट्रेड. तो इन रिफॉर्म्स के बाद बेटे जो बिजनेस रिलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज के वो इम्प्रूव हो गए हैं, ठीक है. सो टुडे वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर द ऑब्स्टेकल्स टू क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैव substantially come down. आज हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसमें जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है गुड्स की, सर्विसेज की, पर्सन्स की, जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स में ऑब्स्टेकल्स थे वो खत्म हो गए हैं. दे हैव substantially come down. जो नेशनल इकोनॉमीज है दे आर बिकमिंग बॉर्डरलेस. गेटिंग माई पॉइंट? हर कंट्री को हम दूसरी कंट्री से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? बॉर्डर से करते हैं. और एक जैसे ये बॉर्डर है, ये एक कंट्री है, इस कंट्री के लोगों को इस बॉर्डर के इस पार जाना है ना, तो ये जो बॉर्डर्स हैं ये एक ऑब्स्टेकल है. इस यहां से इधर जाने में देयर आर लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स. लेकिन हर कंट्री ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं उस करके ये जो बॉर्डर्स हैं ये नीचे आ गए हैं. अब आपको इधर से इधर जाना है तो दीज बॉर्डर्स they have substantially come down. ये economies अब borderless हो गई हैं, ये integrate हो गई हैं, ठीक है. The world has become a global village. यही कारण है हम इसको कहते हैं global village. Village क्या होता है? Village में लोग ना self dependent होते हैं. Village के लोग मतलब अपनी needs जो है वहीं पे पूरी कर लेते हैं. अब ग्लोबल विलेज का मतलब पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरडिपेंडेंट हो गया एक दूसरे के ऊपर. जो बॉर्डर्स हैं वो गिर गए हैं, ठीक है. सो द होल वर्ल्ड हैज बिकम वन विलेज जिसको हम कहते हैं ग्लोबल विलेज, ठीक है. सो बिजनेस जो है प्रेजेंट डे का इट इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्रीज ऑफ द डोमेस्टिक कंट्रीज, ठीक है. बिजनेस हमारा अपनी कंट्रीज में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. मोर एंड मोर firms they are making forays into the international business. Making forays ka matlab they are entering into international business. Jo zyada se zyada firms hai bete wo international business mein enter kar rahi hai jisse unko kafi opportunities mil rahi hai growth ki aur profit badhane ki. So if you are into a business for a long period of time, you're doing business in India only, you may be having you know stable existence, theek hai, aapke profits ho rahe hain har saal, aapko 4-5% ki growth mil rahi hai. Lekin agar aap international jate hain to ho sakta hai aapke profits multiple folds bad jaye, aapke 20% 30% growth aani shuru ho jaye, theek hai. So now India has also been trading with other countries for a long period of time, ठीक है. लेकिन ऑफ लेट ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ये स्पीड अप हो गया, ठीक है.
दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटे. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? इट वॉज वेरी मच जनरल एक्चुअली. ठीक है, एक्चुअल आपका कल स्टार्ट होगा.